मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए पिछले कई दिनों से जनता कर्फ्यू लगाया गया है। लंबे जनता कर्फ्यू में न सिर्फ आम जनता घर में कैद होने से परेशान है, बल्कि पालतू जानवर के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ने लगा है। ऐसा ही एक अनूठा मामला इंदौर शहर में सामने आया है, जहाँ घर में बंधे रहने से घोड़ों के पैर जाम हो गए और पैरों पर सूजन आ गई। जब बच्चे घोड़ों को घुमाने निकले तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। दरअसल ये दोनों बच्चे जनता कर्फ्यू के दौरान बिना मास्क के घोड़े लेकर शहर में घूम रहे थे। पुलिस पूछताछ में उन्होंने हवा बंगला से रास्ता भटक कर रिगल तिराहे पर आना बताया। पुलिस द्वारा रोकने के समय सबसे पहले दोनों नाबालिग बच्चों को मास्क दिए गए। बच्चों का कहना था कि करीब 15 से 20 दिनों से घर में ही घोड़े बंधे होने के चलते उनके पैरों में सूजन आ गई थी, जिसके लिए उन्हें थोड़ा रन कराना जरूरी था। लेकिन गलती ये हो गई कि उनके चेहरे पर मास्क नहीं था, जिसके चलते इंदौर के रिगल तिराहे पर उन्हें रोका गया और करीब 2 घंटे घोड़े और बच्चों को पुलिस द्वारा बैठाए रखा। अरे सर, इनका बैठे बैठे मतलब पैरों से जाम होते तो चलने के लायक नहीं रहते, ये इसलिए इनके सूजन चढ़ गई थी इनके पैर के अंदर। इनको घुमाने लाए थे कम से कम 15-20 दिन हो गए इनको बंधे बंधे, तो इनको हर मतलब 2-3 दिन में घुमाया जाता है हवा बंगला लीगर चोरा। मेरा मास्क तो गिर पड़ा था ना, जेब में से गिर पड़ा था, जब तो मेरी गलती होती तो मैं वैसे ही पलट सकता था। अरे मैं नीचे पानी पीने उठा और जेब में रखा हुआ मेरे, और घोड़े के ऊपर बैठा था, याद आया मास्क से पहन, तो मास्क से देखा तो गिर पड़ा हुआ। कार्रवाई के पहले बच्चों को पुलिस द्वारा मास्क उपलब्ध कराए गए, उसके बाद अर्थदंड की बात की गई, लेकिन बच्चों के पास पैसे भी नहीं थे, जिसके चलते सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह सिसोदिया ने अगली बार ऐसी गलती ना हो इसके लिए समझाइश देते हुए बच्चों से कान पकड़कर माफी मंगवाई और उन्हें छोड़ दिया गया। रिगल चौराहे पे श्रीमान डीआईजी सर के आदेश से प्रॉपर चेकिंग की जा रही है और जो लोग फालतू घूम रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अभी ये 2 बच्चे घोड़े लेके आए थे, इनका कहना है कि हम हवा बंगला से आ रहे थे, रास्ता भटक गए थे, इस कारण बच्चे होने से इनको मास्क हमने दिए, मास्क नहीं थे और इन्होंने अपनी गलती मांगी, तो इनको कान पकड़ के माफ़ी मांगने पर इनको समझाइश देकर रवाना किया गया है। गौरतलब है कि इंदौर में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों को लेकर कोरोना कर्फ्यू घोषित किया गया है, जिसमें अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर आवाजाही पर प्रतिबंध है। ऐसे में घोड़ों के बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर बच्चों को उन्हें घुमाना भारी पड़ गया। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।